आपको क्या करना है, शेल स्क्रिप्ट को लेना है, इसको रन करके देखना है। रन करने के बाद इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है और इस बाइनरी को रखना है अंडर USR bin, ठीक है, यहाँ रखना। When you put it under USR bin, तो जैसे आप कैल कमांड को रन करते हो तो चलना चाहिए, बट इसका आउटकम कोई देख ना पाए। सो यू नीड टू राइट अ शेल स्क्रिप्ट, कोई भी नॉर्मल सी, इसको रन करके देखो। इफ़ इट इज़ रनिंग सक्सेसफुली देन कन्वर्ट दिस शेल स्क्रिप्ट इनटू बाइनरी, और ये बाइनरी कहाँ रख दो आप, USR bin पे। जैसे हम कैल कमांड चाहते हैं ये भी चल जाए। तो ये आपका असाइनमेंट नंबर 3 हो गया, ठीक है, ये भी समझ में आ गया, आई होप। ओके, सो यू आर हैविंग अराउंड 3 डिफरेंट असाइनमेंट, क्योंकि व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि आपको असाइनमेंट जितने ज़्यादा आप करेंगे, शेल स्क्रिप्टिंग उतनी सुपर स्ट्रॉन्ग होने वाली है। 4 हो गए, ओह माय गॉड, सो असाइनमेंट हो गए, सॉरी 4। यू कैन राइट इट डाउन एंड लेट मी नो कि असाइनमेंट कितने हो गए, ठीक है। तो बाइनरी कन्वर्जन वैसे तो बहुत इजी प्रोसेस है, ये कोई ऐसे मैंने नॉर्मल दे दिया, इफ़ यू टाइप ऑन गूगल यू गेट इट इन आउट वन शॉट। ओके, so something like this, all right, so now I'm going to have this, ठीक है, मैंने ये टर्मिनल बंद किया, I'm here, okay, similarly what about while loop, while loop भी फटाफट दिखा देता हूँ। let's say I'm going to write while.sh and I'm just writing, बस सिंटैक्स बताना है, रेस्ट आप असाइनमेंट ही करना। लेट्स से आई एम राइटिंग अ वेरिएबल x इज इक्वल्स टू 1 व्हाइल, और फिर आप इसे कैसे भी लिख सकते हैं, लेट्स से डॉलर x इज लेस दैन 10, ठीक है, एल टी आपको पता होगा लेस दैन, एंड देन अगेन डू इको हेलो। अब आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू डॉलर दिस दिस फिर x प्लस 1, या फिर इसके बदले में यू कैन यूज expr वाला, ठीक है। किसी किसी शेल स्क्रिप्ट में सपोर्ट करता है, किसी में नहीं करता, एंड डू डन। सो ओपनिंग थिंग इज डू एंड द क्लोजिंग थिंग इज डन। या आपको इसको इनफाइनाइट रन करना है तो आप इसे डायरेक्ट ट्रू भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट, बट आई एम पुटिंग इट लाइक डॉलर एक्स इज लेस दैन 10, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं बहुत ज़्यादा, एंड आई एम गिविंग स्लीप ऑफ 2 सेकेंड और 1 सेकेंड, इट इज़ गोइंग टू अपेंड दैट न्यूमेरिकल प्रोसेस। तो ये आपका एक बहुत ही नॉर्मल सा कोड हो गया जो आप करके देख लेंगे, ठीक है। तो फाइनल असाइनमेंट क्या है, फाइनल असाइनमेंट है असाइनमेंट नंबर 5, दैट विल बी द फाइनल असाइनमेंट फॉर यू, ठीक है। आपको क्या करना है, राइट अ शेल स्क्रिप्ट। एक और बात, ये जो असाइनमेंट है ना, ये आपकी नेक्स्ट एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस हैं, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम इससे बहुत अल्टीमेट मतलब मज़े आने वाले हैं, अभी तो ऐसे मैंने डराया था। सो राइट अ शेल स्क्रिप्ट वेयर इट कैन टेक history of top 5 users and
रन दोस कमांड इन देयर नेम स्पेस। ठीक है, अब पता नहीं किसको समझ में आया कि नहीं है, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज ये है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे करना है, क्या करना है। फॉर एग्जांपल, यू हैव क्रिएटेड यूज़र वन, यूज़र टू, यूज़र थ्री, फोर, फाइव एंड टेन। ठीक है, 10 यूज़र हैं। अब आपको दसों से एक एक दो दो घंटे सबसे कुछ काम करवाना है, रैंडमली जो भी आप इनसे काम कराना चाहो। ठीक है, या आप खुद जाके काम करो। नाउ अब आपको एक सेल स्क्रिप्ट लिखनी है, दैट स्क्रिप्ट इज गोइंग टू चेक ऑल द यूजर्स, इनमें से टॉप फाइव को सिलेक्ट करेगी किस बिहाफ पे, जिसकी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूनिक कमांड चले हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूनिक कमांड चले हैं, तो जो टॉप फाइव लिस्टिंग होगी वो ऐसे होगी, यूनिक कमांड। ओके, अब इन यूनिक कमांड में से टॉप 20 कमांड को लेना है आपको। देखिए, सबकी हिस्ट्री के बिहाफ पे टॉप फाइव यूजर सेलेक्ट होंगे, इस पे टॉप 20 कमांड्स लेनी है, और इन टॉप 20 कमांड्स को एक एक सेकेंड के इंटरवल में वापस से चलवाना है। ठीक है, रीरन करना है। परंतु जब ये रीरन करोगे तो फॉर एग्जांपल अगर आप यूज़र वन के पास गए, आपकी स्क्रिप्ट गई, तो जो यूज़र वन की टॉप 20 कमांड होंगी वो यूज़र वन की ही पावर से चले। ऐसा नहीं कि आपने रूट में स्क्रिप्ट देखी और रूट जाके ये कमांड चला देगा, नहीं, आपकी स्क्रिप्ट इस पर लॉग इन करनी चाहिए, इसके टॉप 20 कमांड उठा के यहीं पर रन करें, ताकि मैं दोबारा हिस्ट्री कमांड यहाँ पर चलाऊँ तो दिख जाए। ठीक है, इसका बहुत बड़ा यूज़ है साइबर सिक्योरिटी में, आगे आपको पर्पस समझ में आएगा। बट आपको टॉप फाइव यूज़र सेलेक्ट करने हैं हाईएस्ट यूनिक कमांड हिस्ट्री के हिसाब से, और फिर उनकी टॉप 20 हिस्ट्री सेलेक्ट करनी है, और जो स्क्रिप्ट होगी वो उसी यूज़र पे लॉगिन करके एक एक सेकेंड के इंटरवल में वही कमांड जाके रीरन करेगी। ठीक है, इससे हम फ्यूचर में बनाएंगे एथिकल हैकिंग की दुनिया के ऑटोबॉट्स। अब ऑटोबॉट्स क्या होंगे, कैसे होते हैं, वो आप बात की बात है, लेकिन हम इसे ऐसे करेंगे तो सिंपल, और इसका और क्या यूज़ आएगा वो बात की बात है, लेकिन ये फाइनल असाइनमेंट है। आई होप जो समझ में आना चाहिए, तो बताओ यस और नो। तो वो इंसेप्शन जैसा कुछ बनेगा भी, राइट? मैं आपको एक एक हैकिंग का कुछ सिनेरियो दूंगा, जहाँ पे ओके समझ में तो आना चाहिए। ओके, वंडरफुल। ठीक है, तो ये तो रहे आज के सेशन की कुछ कुछ बातें। ठीक है, अब एक और अनाउंसमेंट ये है, इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपको कल तक वैसे मिल जाएगा, राइट? एग्ज़ाम में जो टॉप 3 हाईएस्ट स्कोरर होंगे, दे विल बी ज्वाइनिंग डेलवेक्स कम्युनिटी विद प्रॉपर यू नो रेस्पेक्ट डेजिग्नेशन एंड गुडीज। तो आपको इस कम्युनिटी में बहुत सारे हमारे पास असाइनमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। टॉप 3 जो लोग होंगे वो डेलवेक्स कम्युनिटी ऑफिशियली ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ज्वाइन करने का मतलब आपको मैं अभी बता नहीं सकता कि क्या क्या है, बट रिजल्ट मैटर करेंगे। ठीक है, साथ में इन टॉप 3 लोगों को वी विल बी प्रोवाइडिंग टी शर्ट्स।
तो मैंने कुछ सोचा है कि हम टी शर्ट भी कुछ प्लान कर रहे हैं डेलवेक्स की ही। सो जो भी टॉप 3 यूज़र होंगे उनको हम टी शर्ट देंगे, और दो वो लोग ऑलरेडी हमारे ग्रुप के मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है, जो ऑलरेडी हैं 7 से 8 लोग उन पे नहीं अप्लाइड है। ओके चलो गाइस, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो, रेस्ट आई हैव टू गो समवेयर, तो इट्स ऑल राइट, 1 घंटे ही ठीक है, पर आपके पास बहुत सारे काम हैं, प्लीज़ बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा काम करने की नीड है, बिकॉज वंस वी डन विद द स्क्रिप्टिंग सो विल बी हैविंग सेम। ओके बहुत बहुत सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में, बस स्क्रिप्टिंग को फटाफट। ओके एफ फॉर फेल या पास, चंद्रशेखर, पीयूष, हर्ष, ऑलराइट, सो चलो ठीक है, ऑलराइट गाइस, बाय बाय एंड हैव फन। तो आपके रिजल्ट पे मैं काम कर लेता हूँ। ओके सी यू एंड प्लीज़ कंप्लीट ऑल दीज असाइनमेंट वेरी सून।